मैनेजिंग डायरेक्टर श्री मंगू सिंह जी, ये बहुत खुशी की बात है कि जिस तरह से योग का प्रचार प्रसार भारत के प्रधानमंत्री ने किया है और वो आज एक जन भागीदारी की तरह जन आंदोलन बनता जा रहा है और इसी का प्रतीक है ये जो क्लब है जो कि लक्ष्मी नगर में स्थित है और आप वहाँ पर पधारे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे योग को? देखिए, योग की महत्ता के बारे में तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं कि इतना योगदान योग का स्वास्थ्य के बारे में है, पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अगर आपको अपने दिल्ली मेट्रो के बारे में बताऊंगा तो हम अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में बहुत ध्यान रखते हैं और इसीलिए योग हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमारे एम्प्लॉयज़ का दिल्ली मेट्रो में, योग उसका एक अंग है। जो लोग भी ट्रेनिंग करने के लिए हमारे ट्रेनिंग स्कूल में आते हैं, योगा उनके लिए कंपलसरी है। उसके साथ साथ जो और एक्सरसाइज हैं, जिम है, मेडिटेशन है, वो सब हम करवाते हैं, जिसका बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारे जो मेडिकल बिल हैं वो कम हैं। तो इसमें एम्प्लॉयज की भलाई के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की भलाई भी छिपी रहती है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। जी मंगू सिंह जी, स्वयं आप एक अच्छे सेहत के स्वामी हैं, तो योग का अपने जीवन पर किस तरह से प्रभाव आपके पड़ा, योग को कैसे आपने अपनाया? देखिए, मैं अपने आप को कोई ये तो नहीं कह सकता कि मैं योग का बहुत रेगुलर तरीके से योगा करने वाला हूँ, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन चूँकि फंडामेंटली योग की महत्ता मुझे मालूम है, तो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है योगा का, नेचर के पास रहना, सिंपल लाइफ, रेगुलर लाइफ, ये सब मैं अपनाता हूँ। मैं बड़ी कहना चाहिए कि बड़ी रेगुलर डिसिप्लिन लाइफ, मैं सुबह 5:15 बजे रोज़ उठता हूँ और दिन की पूरी दिनचर्या पूरे टाइम के हिसाब से मैं करता हूँ। मेरा ये एक संदेश मैं देना चाहूँगा कि अगर आप वक्त के पाबंद हैं तो आप अपने सारे दिन के काम वक्त से अगर पूरे कर लेंगे तो शाम को आपके पास पूरा टाइम होगा अपने लिए, अपने परिवार के। अगर दिन में अपना काम आप टाइम से चालू नहीं कर सके, दिन भर अपना काम टाइम पर पूरा नहीं कर सके, तो नतीजा ये होगा कि आप लेट होंगे, घर पे लेट जाएंगे, आपको अपने लिए वक्त कम होगा, अपने परिवार के लिए वक्त कम होगा, तो आपकी पर्सनल जो लाइफ है उसमें प्रॉब्लम्स है। ये मेरा एक